देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां में 6 ट्रकों से रात को अज्ञात चोरों ने 400 लीटर डीजल चुराया, पुलिस को दी शिकायत। भट्टू कलां बस स्टैंड के सामने खड़े 6 ट्रकों से मंगलवार व बुधवार मध्य रात्रि अज्ञात चोर 400 लीटर डीजल चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि रात को इस स्टैंड के सामने बनी पार्किंग में ट्रक खड़े थे, यहां से रणसिंह के 1, सीताराम के 2, मक्खनलाल के 2 व जगतपाल के 1 ट्रक से डीजल तेल चोरी हो गया। तेल चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इन ट्रक मालिकों ने बताया कि चोरों ने रात्रि को जब इस घटना को अंजाम दिया तो ट्रक के टैंकी के नीचे से काफ़ी तेल गिरा हुआ था। उन्होंने इस संबंध में भट्टू कलां पुलिस को शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहा सुने ट्रक मालिकों की जुबानी। रात को करीबन 12 बजने के बाद में जी 6 गाड़ियों का डीजल निकला है, जिसमें एक गाड़ी रणसिंह की है, 2 गाड़ी सीताराम की है, 2 घोड़े जेपी के हैं और एक इसका गुगुन का है। 6 गाड़ियों का डीजल निकला है। ये वारदात पहले भी 2 बार हो चुकी है। अच्छा, इसमें हमारी प्रशासन सहायता करे चोर पकड़ने में। कितना तेल था? तेल में 400 लीटर था। 6 गाड़ियों में 400 लीटर तेल था। 40,000 को तेल हो गया। ठीक है। भट्टू कलां के अनाज मंडी से अज्ञात चोरों ने चुराया ट्रक, पुलिस कर रही जांच। भट्टू कलां के अनाज मंडी से खड़े एक ट्रक को सोमवार मंगलवार मध्य रात्रि अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को बुधवार को दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में भट्टू कलां निवासी प्रेम सिंह ने बताया कि उसका 10 चक्का ट्रक रात को अनाज मंडी में खड़ा किया था, सुबह देखा तो ट्रक गायब मिला। उन्होंने अपने स्तर पर गायब ट्रक की काफ़ी खोजबीन की तो कई जगह इसकी फुटेज भी उन्हें मिली है, लेकिन इसके संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत भट्टू कलां पुलिस को दी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कहा ट्रक मालिक ने सुने उन्हीं की जुबानी। मारी नहीं है, गाड़ी उठ के मारी मंडी में। परसों 12 तारीख को रात को 7:55 पर कैमरे में दिख रही है गाड़ी, 8:04 पर सरस्वती पार कर गई। हमने फिर उसको टोल प्लाजा भी चेक किया, टोल प्लाजा पर उस फुटेज आ रही है। ये कब की घटना है? ये 12 बजे 12 तारीख की रात को, शाम को 7:30 गाड़ी गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी अनाज मंडी की। ये किसकी गाड़ी? ये गाड़ी प्रेम प्रेम जी की है। ठीक, क्या नंबर है गाड़ी का? आपने शिकायत दे दी? हाँ, शिकायत दे दी, रिपोर्ट दर्ज करा दी। मैडम ने आश्वासन दिया अभी हम जल्द से जल्द चोर पकड़ेंगे। भट्टू कलां राजकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई आयोजित। भट्टू कलां राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में तीनों संकाय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छात्रा एकता ने प्रथम, छात्र संदीप कुमार द्वितीय और बीकॉम के छात्रा सरोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन प्रवक्ता दिलसुख राम ने किया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका हिंदी विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम, सीताराम और हरीश कुमार ने निभाई। प्राचार्य लेफ्टिनेंट दिनेश कुमार ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों में विद्यार्थियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम शुरू, 15 अक्टूबर तक रहेगा जारी। भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो गया। वहीं इस कार्यक्रम को 15 अक्टूबर तक जारी रखा जाएगा। बुधवार को भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सुजाता बंसल ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर तक आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी जो लंबित रह गए हैं उनके आयुष्मान कार्ड गांवों के सभी अटल सेवा केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टू कलां में निःशुल्क बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक भट्टू के अधीन आने वाले गांवों के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लंबित लाभार्थियों की सूची जारी की है। विभाग ने ब्लॉक भट्टूकला के कुल 1800 लोगों की सूची जारी की है। लाभ पात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टूकला में अपना आयुष्मान कार्ड मुफ्त जारी करवा सकते हैं, जबकि गांव स्तर पर अटल सेवा केंद्र से भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निकलवाया जा सकता है। इस कार्ड के बाद जरूरतमंद परिवार के सदस्य 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं।